ओके फ्रेंड्स, तो दूसरा एक स्क्रिप्ट है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, जिसका टेक्निकल चार्ट हम लोग आज डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छा चार्ट पैटर्न है इनका, ये स्टॉक का, और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बाय एंड डिप्स स्क्रिप्ट। चलिए तो उसके डेली चार्ट पे जाते हैं ना। वो डेली चार्ट में अगर आप देखते हैं तो MACD है, RSI है, सुपर ट्रेंड्स है, पैराबोलिक्स आ रहा है, और ये क्रॉस ओवर्स है जो 21 डे मूविंग एवरेज है, 10 डे मूविंग एवरेज। जो हम लोग 21 और 10 डे इसलिए लिया है कि काफ़ी टाइम्स मैंने ये सिंपल डे मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर्स अपने ट्रेड्स में यूज़ किए हैं और काफ़ी सक्सेसफुल रहा हूँ ये ट्रेड्स में। नॉर्मली दैट इज़ द रीज़न मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है ये सिंपल डे मूविंग एवरेजेस के क्रॉस ओवर में। तो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे क्रॉस ओवर था, जहाँ से प्राइसेस थोड़े ऊपर गए, फिर कंसोलिडेट हुआ है ये जोन में, फिर यहाँ क्रॉस ओवर के बाद वो प्राइसेस कभी वापस आए नहीं। और ये एक पोल बना है, ये एक फ्लैग बना है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न है जिसका ब्रेकआउट अभी ड्यू है। RSI 50 पे है, काफ़ी ठीक है। MACD भी पॉजिटिव है, काफ़ी ठीक है। और अगर इसमें आप देखते हो तो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो वेट कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो बाई कर सकते हैं स्ट्रेट अवे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये बाई है 1850 से 1800 के लेवल्स में, स्टॉप लॉस 1750 है, टारगेट 2400 से 2500 तक का आएगा जब भी ब्रेकआउट आता है, और इसलिए टाइम फ्रेम टारगेट्स दिसंबर 31 तक आ जाना चाहिए। ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में भी सेम थिंग्स हैं। और ये अगर यहाँ आप देखते हो तो एक क्रॉस ओवर है जिसके बाद ये प्राइस कभी भी नीचे नहीं आया। ये स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी है टेस्टिंग लेबोरेटरीज के बिजनेस में। ऑल दो ये चार्ट और थायरो केयर का चार्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बुलिश है, और ये दोनों चार्ट थोड़ा जल्दी ब्रेकआउट दे सकते हैं। तो यहाँ ये पोल एंड पोल का ब्रेकआउट दिया, वापस यहाँ पोल बनाया और वापस ये ब्रेकआउट की राह देख रहा है, और होपफुली होगा। बाय बाय है ये 1750 से 1850 के बीच में, स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे किया है, 1700 रुपये किया है, टारगेट 2800 से 3000 रुपये है, फ्लैग एंड पोल ब्रेकआउट है, टाइमिंग मार्च तक दिया है, क्योंकि वंस ब्रेकआउट हुआ थोड़ा फास्ट ऊपर जाएगा, फिर वापस कंसोलिडेट करेगा, तो उस हिसाब से ये टारगेट आना 100% है, क्योंकि काफ़ी अच्छा बिजनेस है। COVID-19 के चलते हुए टेस्टिंग बढ़ते ही जा रहा है, एंड दूसरे सब बिजनेसेस भी जैसे लॉकडाउन ओपन होते हैं दूसरे सब टेस्टिंग्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो फंडामेंटली काफ़ी अच्छी स्टोरी है ये, जिस जो हमने डिस्कस किया चार्ट्स के ऊपर, द सेम इन्फॉर्मेशन हमने डिस्क्रिप्टिव में डाला हुआ है, वो आप बाद में भी देख सकते हैं। और एक डिस्क्लेमर है जो मैं हमें हर एक वीडियो के बाद रखता हूँ। ओके दोस्तों, होप ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर आपका कुछ कमेंट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।